बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर अपनी बेफिक्री जाहिर करने के लिए जाने जाते हैं। वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया पर अपने चंद शब्दों में दिल की बातें और गहरी बातें झट से एक पोस्ट के माध्यम से कह देते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया उनके पोस्ट से अक्सर गुलजार रहती है। गुरुवार की सुबह भी उन्होंने एक पोस्ट साझा किया जो आते ही झट से वायरल हो गया। इस पोस्ट को देखने वाले समझने की कोशिश में लग गए कि अमिताभ बच्चन का इशारा किशोर है। एक ओर लगातार अभिषेक और ऐश्वर्या के अलगाव की खबरें छाई हुई हैं, तो ऐसे में आए दिन इस पोस्ट क्या को लोग उससे जोड़ कर देख रहे हैं। वैसे कुछ भी हो, अमिताभ के इस पोस्ट में ज़िंदगी जीने के लिए खास और बड़ी सलाह है। अमिताभ बच्चन ने आज यानी कि गुरुवार की सुबह एक पोस्ट साझा किया। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट में लिखा, काम 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 जीवन और जीने के लिए एकमात्र प्रोत्साहन है। इस पोस्ट को देखने वाले लोग का अलग अलग रिएक्शन है। कई लोग बड़े इसे बड़ी सलाह और लाइफ लेसन के तौर पर देख रहे हैं, तो वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो इसे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के सेपरेशन की अफवाहों से जोड़कर देख रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि ये सलाह अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के लिए, वैसे अमिताभ इस क्रिप्टिक पोस्ट के जरिए किसी सलाह दे रहे हैं ये वो ही बेहतर जानते होंगे। इस पोस्ट के साथ ही उन्होंने एक तस्वीर को भी पोस्ट किया है जो कि कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर सामने आई। इसमें वो हॉट सीट पर बैठे दिख रहे हैं। बता दें कि हाल ही में अभिषेक बच्चन और अनंत अंबानी की शादी में पूरे बच्चन परिवार के साथ पहुंचे। याद है कि उनकी बहन श्वेता के परिवार भी साथ में था, बस कोई मौजूद नहीं था, तो वो थी ऐश्वर्या राय और आराध्या बच्चन। इसे देखने के बाद ही एक बार फिर से अलगाव की बातें शुरू हो गई। लोग दावे करने लगे कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के बीच कुछ भी ठीक नहीं चला। फिलहाल एक तस्वीर में वायरल हुई जिसमें ऐश्वर्या अभिषेक के साथ दिखी। ऐसे में क्या सच्चाई है ये तो बच्चन परिवार के लोग ही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन कई ऐसे मौके आए हैं जब ऐश्वर्या राय अकेले ही अपनी बेटी के साथ स्पॉट हुई है। आपकी क्या राय हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट लाइव।